आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। चलिए फिफ्थ क्लास, आज आपका चैप्टर 9 है ना, पार्ट 9, कहाँ कहाँ से पानी, ये चैप्टर पढ़ेंगे हम। इसके बाद अब डायरेक्ट आपका 14 चैप्टर आएगा। इसके बाद 10, 11, 12 चैप्टर, 13 तक चैप्टर कट चुके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कौन सा चैप्टर आएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर आ रहा है तो इस चैप्टर को हम रीड कर लेते हैं। कक्षा 4 में आपने पढ़ा है कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अगर हमारे घर पर 3-4 दिन तक पानी नहीं मिले तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं ना। 3-4 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं होती तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। हम पानी के बिना नहीं रह सकते, पानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। सोचिए और बताइए, पीने के लिए कैसा पानी काम में लेना चाहिए। आप जानते हैं पीने के लिए हमें काम में लेना चाहिए पोर्टेबल वाटर। ठीक है, आपने नल, टंकी, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि देखे होंगे। कभी सोचा है कि इनमें पानी कहाँ से आता है? कभी सोचा आपने नल, टंकी और हैंडपंप, ट्यूबवेल, इसमें पानी कहाँ से आता है? पहले कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील आदि से पानी लाते थे। आजकल शहरों में घर घर में नल लगे हैं। क्या लगे हैं? नल। गांवों में भी जल गाय विभाग की टंकियां बनी हैं, उनके पास नल लगे हैं। कहीं कहीं पर हैंडपंप भी लगे हैं। देखिए, पता कीजिए, देखिए आपने एक कुआं देख रहे हो और एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ये लड़की क्या कर रही है, पानी भर रही है हैंडपंप से। पता कीजिए और बताइए आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। आपके गांव और आसपास में पानी का क्या क्या स्रोत है। आपके शहर, गांव और शहर के आसपास कोई तालाब, झील या बांध हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्र कीजिए। इसका नाम क्या है, यह कितना पुराना है, इसे किसने बनवाया है, इसमें पानी कहाँ से आता है, इसके पानी का उपयोग किन किन कामों में होता है, इसके पास कौन कौन से मेले त्योहार आयोजित किए जाते हैं। मेले त्योहार क्या क्या किया जाता है। फिर राजस्थान में जल की महत्ता को समझाते हुए राजा महाराजाओं और जन सामान्य ने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए थे। राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए राजा महाराजा, जो पुराने राजा महाराजा थे, उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए क्या किया था, जल संग्रह के लिए एक तंत्र विकसित किए थे जिसमें एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते थे। एक या एक से अधिक तालाब जो थे वो नहरों द्वारा लोगों को तक पहुंचते थे। एक एक कर सभी तालाब वर्षा जल से भरते, उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बाहर निकलता था। इसी तरह घरों में भी वर्षा संग्रह जल को संग्रहित किया जाता था, जो पानी बारिश का पानी था उसको इकट्ठा किया जाता था। पता कीजिए, लिखिए, वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्रों में आए नालों, नहरों को रोकने से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपके आसपास कोई बड़ा तालाब या बांध है, जैसे चंबल नदी आपके जो पानी का पीने का स्रोत है, इससे कितने तालाब और नाली जुड़े हैं? इन तालाबों में किस महीने में पानी अधिक रहता है, वर्षा के टाइम में पानी अधिक रहता है? क्या अलग अलग तालाबों के पानी का उपयोग भी अलग अलग किया जाता है? आजकल झीलों, तालाबों का पानी फिल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कई तरीके आपने भी देखे होंगे, जैसे कपड़े से छानना, उबालना। ठीक है, ये देख रहे हो आप 3 मेथड। उबाल भी सकते हो पानी को क्लीन करने के लिए, सॉरी, रासायनिक पदार्थ डालकर भी पानी को क्लीन कर सकते हैं, और फिल्टर आरओ के द्वारा भी पानी को फिल्टर किया जा सकता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कई तरीके आपने देखे होंगे, जैसे कपड़े से छानना, उबालना। आजकल मशीनों से भी पानी को फिल्टर करते हैं। शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने से अनेक बीमारियों से बचा जाता है। हमें साफ पानी पीना चाहिए। झील या तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, गंदगी होती है। झीलों, तालाबों का पानी किन कारणों से दूषित होता है, पता है ना क्यों दूषित हो जाता है? भाई, आप उसको पानी को गंदा करते हैं, इस वजह से दूषित होता है। आपके घर में जल का शुद्धिकरण किस प्रकार, आपकी मम्मी भी जब पानी जब फिल करती है तो उसको कुछ ना कुछ क्लीन करने के लिए कुछ तो करती होंगी ना, मेथड यूज करती है ताकि पानी जो है क्लीन रहे। कलात्मक जल स्रोत, कलात्मक जल स्रोत का मतलब है जो कि आर्टिफिशियल है, जो इंसान ने बनाए। लंबे समय से कुएं, बावड़ियां राजस्थान में
पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं। विशेषकर बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ आकर्षक सीढ़ियां बनाई जाती हैं। देखा आपने, ये देख रहे हो, बावड़ी नीचे होती थी और इस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। बावड़ियां जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करती हैं। जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक, मतलब लोग उससे जुड़े हुए हैं, और सामाजिक उनकी जो वैसे जरूरत है, समाज की जो जो जरूरत होती है उन सबके लिए जुड़े। और पुराने समय में क्या है, ये सब कुछ दिखाया जाए प्रदर्शित करती हैं। रामदेवरा की देखो, ये रामदेवरा की जगह है, रामदेवरा की पर्चा बावड़ी, ठीक है, रामदेवरा की पर्चा बावड़ी, जालौर की खिन्नी बावड़ी और आभानेरी की चांद बावड़ी, ओसिया, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, निमराणा आदि जगहों की बावड़ियां बहुत पुरानी हैं। ये बहुत पुरानी बावड़ियां हैं, इनमें से कई रखरखाव के अभाव के कारण खराब हो रही हैं। हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अब इनका क्या, रखरखाव भी बहुत जरूरी है, इनको मेंटेनेंस चाहिए कि वे ताकि इनको इनका संरक्षण करें, ताकि कल को अगर हमें पानी की जरूरत हो तो हम इसमें से पानी यूज कर, पानी भी तो लिमिटेड है अर्थ पे जो पीने के लिए है। रामदेवरा में आने वाला तीर्थ यात्री पर्चा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। झुंझुनू की मेंटनी बावड़ी और बावड़ी प्राचीन और सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह झरोखे और बरामदे भी बने। सीढ़ियां क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि उन तक पहुंचना होता था। आपके आसपास किसी बावड़ी के बारे में बता दीजिए और लिखिए इसे कब और किसने बनवाया और इसका पानी कितना व कैसा है। बावड़ियों का पानी गंदा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बावड़ियों की तरह अनेक कुएं भी कलात्मक हैं। कुएं गोलाकार होते हैं, गोल कलर के गोल होते हैं, इनमें पक्की दीवारें बनी होती हैं। कुओं से पानी कई तरीकों से निकालते हैं। इसके पास बने चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियाँ, खेलियाँ, कुंडियाँ भी लगाई जाती हैं। मतलब इस तरह की कुछ नई नई चीजें करी जाती हैं। सोचिए और बताइए, देखा ना आपने, देखो कुएं किस तरह से, तालाब जो नहर है उसमें लोग, कोई बच्चे भी नहा रहे हैं, पानी भी भर रहे हैं, यहाँ जानवर जो है उसमें पानी पी रहे हैं। कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है? कुएं में पानी कहाँ से आता होगा? चित्र में जो तालाब दिखाया गया है, क्या उसका पानी पीने योग्य है? पेयजल स्रोत किन किन कारणों से दूषित हो रहे हैं? जो पीने का पानी है वो किस तरीके से गंदा हो रहा है? पेयजल स्रोतों का पानी साफ रहे, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बड़े बांध, समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए पानी की आवश्यकता पूर्ति हेतु नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, चंबल नदी जो है इसके ऊपर बांध बना हुआ है ना, इसी तरह जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर और कोटा में चंबल नदी पर, यहाँ तो देख ही सकते हो आप लोग, जैसे इस तरह बांध बनाए हुए हैं। विद्युत उत्पन्न के साथ साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में काम आते हैं। बिजली उत्पन्न करने के साथ साथ सिंचाई और पेयजल, सिंचाई मतलब खेतों को, फील्ड को, है ना, उनको खेतों को पानी पहुंचाने के लिए, और पेयजल के लिए काम आते हैं। बांध से बिजली बनने का तरीका आप उच्च कक्षाओं में जानेंगे, मतलब बड़ी कक्षाओं में जानेंगे कि बांध से जो बिजली, जो लाइट बनाई जाती है उससे कैसे बनाई जाती है। ठीक है, इधर देखिए हमने क्या सीखा, कुएं बावड़ियां हमारे जल स्रोत हैं, हमें हमारे जलाशय व उसके आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए जब पीने का पानी लेना है अपने को। बांध सिंचाई, विद्युत उत्पादन व जल स्रोत के रूप में काम आते हैं। बांध हो गए, सिंचाई हो गया, विद्युत उत्पादन जल स्रोत के रूप में काम आते हैं। ठीक है, अब ये जानना और समझे, देखो कुएं पेयजल के स्रोत कुआ बावड़ी और डैश है, और क्या क्या है, पेयजल के पीने के लिए योग्य क्या है,